यूपी में योगी सरकार भले ही शिक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम दावे करती हो, लेकिन शिक्षा व्यवस्था कितने गर्त में है ये आप भी और शिक्षा विभाग भी बखूबी जानता है। हाल ऐसा है कि सरकारी स्कूल तो हैं, लेकिन स्कूल में छात्र नहीं है। शिक्षकों की लाख कोशिशों के बाद भी स्कूल में छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है। अगर हम बात करें यूपी के फर्रुखाबाद जिले की, तो यहाँ परिषदीय स्कूलों में छात्रों की संख्या ना के बराबर है। बता दें कि जिले में 50 या इससे कम छात्र संख्या वाले 346 स्कूल चिन्हित किए गए हैं, जिनमें मोहम्मदाबाद ब्लॉक क्षेत्र के सबसे ज्यादा स्कूल हैं। इन स्कूलों पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। यही नहीं, कई प्रधानाध्यापक ऐसे हैं जिन्होंने छात्र संख्या न बढ़ने के संबंध में नोटिस का स्पष्टीकरण भी नहीं दिया है। कार्रवाई करेंगे। 346 विद्यालय फर्रुखाबाद में ऐसे हैं जहां पे छात्र संख्या 50 से कम है, उसके लिए हमने नोटिस भेजे हैं कि इसमें मतलब छात्रों की संख्या क्यों कम हो रही है और इसको बढ़ाने के लिए मतलब क्या उपाय लोग कर रहे हैं। उसकी कार्ययोजना भी मांगी गई है, स्पष्टीकरण काल भी किया गया है कि इसके लिए अभी तक क्यों नहीं छात्र संख्या पर ध्यान दिया गया, बढ़ाया गया। तो कुछ लोगों के जवाब आ गया है, उसकी समीक्षा करने के बाद देखा जाएगा कि छात्र संख्या कम क्यों हुई और इतनी कम छात्र। सर, इससे पहले भी मतलब यहाँ से जो छात्र संख्या वगैरह जाती है पोर्टल के माध्यम से मतलब जो अपलोड होती है, तो अभी तक इस पर क्यों नहीं ध्यान दिया, क्या कार्रवाई नहीं की थी? मैं छात्र संख्या कुछ बच्चे मूव कर जाते हैं प्राइवेट में या फिर उनका कक्षा अगर प्राइमरी के स्कूल हैं तो सिक्स में चले जाते हैं या फिर जूनियर हाई स्कूल है तो वो फिर हाई स्कूल में चले जाते हैं बच्चे। कुछ बच्चे तो ऐसे शिफ्ट हो जाते हैं। कुछ ये है कि टीचर्स की भी है जहाँ पर उन्होंने अभिभावकों के साथ सही तरीके से कोऑर्डिनेट करके बच्चों का नामांकन नहीं कराया, इसी के लिए उनको पत्र भेजा गया। उनका जैसे ही जवाब आ जाता है तो उसको देखो समीक्षा की जाएगी कि ऐसा क्यों हुआ, अगर किसी ने ऐसी लापरवाही की है तो उसके खिलाफ कदम कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने जुलाई में मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक बीएसए व लेख अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी, जिसमें कम छात्र संख्या वाले स्कूलों का मामला सामने आया था, जिसको देखते हुए स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने कम छात्र संख्या वाले केंद्रीय स्कूलों के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर 10 अगस्त तक बेसिक शिक्षा अधिकारी से मांगी है, जिससे कम छात्र संख्या वाले स्कूलों के संबंध में निर्णय लिया जा सके। खैर, स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए एक बार फिर स्कूल प्रबंधकों को निर्देश दिया गया है, लेकिन सवाल ये है कि सरकार की ओर से करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी स्कूलों में छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फर्रुखाबाद से दिलीप कटियार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।